अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और दोस्तों अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब बहन भाइयों के लिए एक दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जो दुख दर्द तकलीफ़ है उनसे अल्लाह पाक आपको निजात दे। इसी दुआ के साथ आज का वीलॉग करते हैं शुरू। वीलॉग शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो है ना ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो वीडियो जो है ना आज काफ़ी दिलचस्प होगी क्योंकि आप ही जो है ना वो गई हुई हैं मेरे बड़े भाई के पास बहावलपुर में। तो इबरार जो है ना घर पे अकेले हैं तो उसने मुझे कॉल किया है कि आप मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर गप्पे शप्पे लगाते हैं और साथ मिलकर काम भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते और ट्रैक चलते हैं इबरार के पास। बाकी जो है बातें हैं वो हम वहीं जा के करेंगे। आपसे हमारी एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है ना हमारी वीडियो जो है ना पूरी देखा करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा भांजा जो मेरे साथ खड़ा है मोहम्मद इबरार, तो आज मैं इसके पास आया हूँ। तो इसके साथ वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने जो यहाँ पर आया हूँ ना, इसने मुझे बुलाया भी मेरे साथ काम के लिए, हेल्प करो मेरी, तो मैंने इससे सारे काम करवाने हैं। टेंशन नहीं लेनी आपने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्योंकि नहीं ये तो मेरा मामू है ना, तो मैंने कहा मैं तो काम करता रहता हूँ ना, आप मेरे मामू है, कभी आप ही हाथ बटवाया करें ना मेरा, तो लेकिन ये करता नहीं है काम, आता है मुझे काम पे लगा के खुद कहता है बस ठीक है मैं कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स आज स्पेशल वीडियो है आपके लिए, आपने लास्ट तक देखना है इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। आज आपको मज़े की चीज़ हम बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इंटरेस्टिंग वाली पहली जो फर्स्ट बात ये है कि जो है ना मेरा जो भांजा है ना इबरार, ये जो ना घास काटने वाली मशीन ले आए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे मुकम्मल पहले, फिर घास काटेंगे। तो पहले हम इसके आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये काम कैसे करती है, ये कितने पैसे में आई है, कितने पैसे में आई है और ये काम कैसे करती है, किस तरह से इससे हम घास काट सकते हैं। अच्छा भाई इबरार, अपना मेरे भांजे प्यारे, ये बताओ कितने के लिए गया है तू। इसकी जो है ना प्राइस है वो तकरीबन है 13,500 रुपये। 13,500 की? हाँ 13,500। अच्छा ये पेट्रोल पे चलती है ना? इसके ऊपर छोटा सा इंजन लगा हुआ है जैसे मोटरसाइकिल पे होता है ना, उससे भी थोड़ा छोटा है। अच्छा वो इंजन इसके ऊपर लगा हुआ है? ये इंजन है। हाँ ये इंजन है छोटा सा। ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये पीटर लगा हुआ है ऊपर है। हाँ जापान टच, जापान की ये प्रोडक्ट है, जापान की। ये देखें, ये नज़दीक से दिखाएं, ये जो कार ये होता है ना मोटरसाइकिल का जो प्लग, वो वाला सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो अभी हमें चलाने लगे हैं तो चलाएं आप इसके ना, चलाने के लिए इसको यहाँ पर बटन लगा हुआ है, बांध लें आप। बांध ये लें। देखें ऑन ऑफ वाला यहाँ पर बटन है, ये रेस है। रेस ठीक है, ये यानी कि सब कुछ मोटरसाइकिल की तरह ही है। तो पहले हम इसको ना रख देते हैं, इस तरह से रखेंगे ना, तो इसके बाद हम अब बटन को नीचे करेंगे ऑफ। अच्छा, और इसके बाद जो है ना फिर हम इसको ऑन करेंगे। पेट्रोल भी है या नहीं? स्टार्ट हो गई है। हाँ रेस दे तू, तो ऊपर ऊपर साइड रेस, अगली साइड, अगली साइड है। हाँ चलाएं, आप घास काट के दिखाते हैं।
यहाँ दोस्तों घास हमने ये काट दिया है, दिखा भाई घास हमने काट दिया है। तो अभी हम थक गए हैं, तो आप सर कुछ कहना चाहेंगे तरार भाई? नहीं, बात ये है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, अभी हमने काटा नहीं है इतना घास, लेकिन अभी थोड़ा चेक किया है ना मशीन को। नहीं, ये मशीन है ना, इसलिए पहले चेक कर रहे हैं, पहली मरतबा हमने काटा है ये घास। तो अभी थोड़ी देर तक फिर जो है ना इसको वक्फे वक्फे से चलाना है ना, क्योंकि नहीं है तो फिर इसको दोबारा चलाएँगे। तो फिर वक्त मामू के साथ मैंने सोचा कि गप्पे भी कर लूँ। हाँ, ये पता है ये बहुत शरारती है, ऐसे मासूम ना देखो इसे। नहीं, मैं मासूम हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, मैं मासूम भी हूँ थोड़ा, नहीं शरारती भी हूँ मासूम भी हूँ, ऐसी बात क्या है। फिर ये बहुत ज़्यादा शरारती है सच्ची में। उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी ना, इसने पूरा मुझे लड्डू खिला दिया था, आपने देखा नहीं था? लड्डू खिलाओ तो खुशी कम होगा था ना, इसीलिए खिला दिया था। हाँ, सारा लड्डू मैं दो दिन खाता रहा उसको। ना, दो दिन ना, उसी वक्त ये खा गया है। और आपको शायद पता नहीं है, जब हमने कैमरा ऑफ किया है ना, ये सारा केक खा गया, हमें इसने कुछ भी नहीं दिया। ये तो जो पार्टी वाली हमने वीडियो बनाई थी ना, सारा केक इसने खाया है। वो जो मेरा छोटा भांजा है ना हसीब, बस उसे कुछ दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया इसने। आप ही को नहीं दिया, अपनी इसने अम्मी को भी नहीं दिया। नहीं नहीं, अम्मी को तो मैंने दिया है उसको। तो आपने उनके सामने दिया था ना, बस बाद में भी दिया है। मुझे आप कुछ खिलाओ पिलाओ यार। अब इसको मैं क्या खिलाऊं? मैंने कहा घास काटा हुआ है, घास खाते हैं फिर मिल बैठ के, थोड़ा सा ये खा लेगा यार। ये जानवरों के लिए होता है। हाँ, यही बात है, अच्छी बात है यार। ये अनार मुझे खिला दे यार, अनार। ये कहते हैं अनार खिला दे, ये देखे पीछे अनार तो लगे हुए हैं। दुआ करें अनार पे पटते हैं, क्या कहते हैं इसको, तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ते हैं। अच्छा अभी यार, यार मुझे एक मसला हो रहा है यार, जैसे हम सरेकी है ना यार, ये मैंड नहीं करते माशाल्लाह, बहुत हम इन पर खुश हैं जो इतने हमारे सपोर्ट करते हैं, माशाल्लाह दिल से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये सरेकी है ना, हमें ना उर्दू बोलने में कुछ थोड़ी बहुत दुश्वारी होती है। बिल्कुल। तो ये मेरे प्यारे जो है ना व्यूवर्स माइंड नहीं करते, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आपका, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बराबर भाई आप भी कर दें इनका। हाँ बहुत ज़्यादा शुक्रिया, सरेकी बेच भी शुक्रिया अदा तुरा करे ने। हाँ बहुत ज़्यादा तुरा शुक्रिया, भला इनशाला तुरे वजह अच्छे अच्छा वीडियो खेन के आते हैं। इनशाला इनशाला। हाँ तुसा सब कुछ सपोर्ट इन्हें की रखो। हाँ सरेकी बेच भी, उर्दू बेच भी। हाँ नहीं, थोड़ी सी उर्दू भी बोल लेते हैं, सरेकी भी बोल लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन हमारे जो कहते हैं ना मादरी जबान तो सरेकी है ना। हाँ उर्दू तो हम ऐसे ही, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है सच में, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी यार इन अनार मुझे खिला, अभी ना घास फिर बाद में काटेंगे, इसको अनार खिलाते हैं। घास काट ले, चला पीछे आ जाते अनार जो है ना छोटे हैं अभी, ये देखो अनार तो यार काफ़ी छोटे हैं यार, बड़ा अनार को अपना ढूंढ यार। अनार ख़त्म हो चुके हैं, अब क्या करें? तो यार ढूंढ यार एक बड़ा अनार मिल जाएगा। एक मिनट, एक पक्का है, कच्चा है, ये पट लिया अनार। इसे काटें किस चीज से? तोड़ दे यार, हाथ से तोड़ दे, ये टूटता यार। बस कुछ कुछ कच्चा है, कुछ कुछ पक्का है, इतना पक्का नहीं है ये। पहले जो मैं जब मैं आया था ना, ये फूल पके हुए थे, ये सारे खा गया है ये खड़ा है ना। ये बात मेरी करता है, मैं खा गया हूँ यार, मैं नहीं खाया सच में ना, दो या तीन हजार हिस्से से मैंने खाए होंगे बस। दो या तीन हजार दो या तीन हजार लगे भी नहीं, दो या तीन हजार मैंने खाए होंगे बस, दो या तीन खाए होंगे यार सच्ची में। बाकी मैंने ना ऐसे बांट दिए सबको, एक एक दो दो करके ना। अच्छा, इतना सखी कब से हो गया है? सच्ची बात है यार, बहुत अच्छा लड़का है वैसे। ये तो मैं मजाक कर रहे हैं आपके साथ भाई, अपने प्यारे व्यूअर से बातें करने के लिए। ये पहले मुझे घर पर ही देकर आया है अनार जब पके थे। या वही बात का है ना, देख ले फिर। हाँ बुरा ही है जी। हाँ दोस्तों, ठीक नहीं कर रहा मेरे साथ यार, यार ये ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इबरार भाई और मेरी आज की जो हमारी फर्स्ट हमारी जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आप ऐसे सपोर्ट हमारे करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तो अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखरत की कामयाबी दे। आमीन आमीन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपने मेरे मामू के चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेहरबानी, थैंक यू सर, बहुत सपोर्ट करनी है।